हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिकर्शन ऑन एरेज की। हमने रिकर्शन का बेसिक समझा था, बट हमने एरेज मूव्स को अभी अप्लाई नहीं किया था। तो आज की वीडियो में मैं आपको रिकर्शन कैसे अप्लाई करते हैं एरेज पर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूं। हम एक क्वेश्चन लेंगे जिसको हम डिस्कस करेंगे उसकी अप्रोच को, देन हम उसको कोड करेंगे और एट द एंड ऑफ द वीडियो वी विल ऑल्सो ड्राई रन दिस कोड। लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन भी हम उसका देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन, इसके अंदर हमें एक एरे गिवन होगा और एक की गिवन होगी। हमें इस की को इस एरे के अंदर सर्च करना होगा और तीन पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें उसका फर्स्ट इंडेक्स रिटर्न करना है, सेकेंड पार्ट में हमें लास्ट इंडेक्स रिटर्न करना है उस की का, और थर्ड पार्ट में सारे इंडेक्स रिटर्न करना है। इसको मैं समझाता हूँ आपको विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। सो सपोज हमारे एरे के एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से हैं, 3, 6, 3 या 1 से स्टार्ट करते हैं, 1, 3, 6, 3, 2 एंड 6 और 3 भी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा गिवन एरे है, यहाँ पर मैं इंडेक्सिंग कर देता हूँ 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये एरे है। सपोज हमारे जो गिवन की है वो हमारी 3 है, तो हमें क्या करना है, 3 का फर्स्ट इंडेक्स निकालना है इस एरे के अंदर जो कि 1 है। तो इसका आंसर, फर्स्ट पार्ट का आंसर 1 आएगा, क्योंकि तो पहला इंडेक्स जो है की का 3 का वो 1 है, लास्ट इंडेक्स जो 3 का है वो 6 है। लास्ट में 3 6 पे 6 इंडेक्स पे पाया गया, और सारे इंडेक्स मतलब 3 कहाँ कहाँ पर पाया गया, सभी जगहों पे। तो वो है हमारा सबसे पहले फर्स्ट इंडेक्स पर, देन थर्ड इंडेक्स पर, और फिर 6th इंडेक्स पर। तो ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर होगा। ये तीनों पार्ट डिफरेंटली हम सॉल्व करने वाले हैं, डिफरेंट लॉजिक्स हैं, और तीनों को समझने के बाद आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि रिकर्शन एरेज पे कैसे अप्लाई होता है। हम इन तीनों को डिफरेंट वीडियोस में देखेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट इंडेक्स ऑफ अ की कि पहला इंडेक्स कैसे निकालना है इस एरे के अंदर ऑफ अ गिवन की, जो कि थोड़ा ईजियर पार्ट है, ठीक है। तो इसका सबसे पहले लॉजिक डिस्कस करते हैं हम। सो दिस इज अवर एरे एंड दिस इज की। तो हमें क्या करना है, इसको इसके अंदर सर्च करना है। तो हम कुछ फंक्शन बनाएंगे, तो किस तरीके का दिखेगा मैं लिख के दिखाता हूँ। तो अभी मैं उसका नाम सिर्फ फंक्शन ही दे रहा हूँ, और यहाँ पर हमें एरे पास करना पड़ेगा ताकि इस एरे के अंदर हमें सर्च करना है। और जैसे कि हमें पता है जब भी हम इंटीजर एरे पास करते हैं तो हमें साइज भी उसका पास करना ही होता है साथ में, और हम एक की भी पास करेंगे यहाँ पर, इंट की। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, मेन चीज़, वो होगा इंडेक्स, ठीक है। क्योंकि हमें कैसे पता लगेगा कि हम करंटली कौन से एरे को, मतलब किस पार्ट को ट्रेवर्स कर रहे हैं, क्योंकि हम फंक्शंस को कॉल करने वाले हैं डिफरेंट। तो हर बार क्या होगा कि हम अलग अलग पोर्शन ऑफ द एरे हम हर अलग अलग फंक्शन को प्रोवाइड करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूँ इसको। सपोज ये हमारा एक एरे है, तो अभी हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे छोटी सब प्रॉब्लम्स में, जैसा कि हम रिकर्शन में करते हैं। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि जो सबसे जो प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने वाला हूँ वो ये है कि इस इंडेक्स पर चेक करो, फर्स्ट इंडेक्स पर चेक करो कि की अवेलेबल है या नहीं है, प्रेजेंट है या नहीं है। तो वो काम तो मैं करने वाला हूँ, ठीक है। बाकी जो बचा हुआ पार्ट है इस पूरे पार्ट पे चेक करने के लिए मैं किसको बोलूंगा, रिकर्शन को बोलूंगा कि इस पर चेक करो कि इस वाले पार्ट में की है या नहीं है। तो ये जो मेरा रिकर्शन बड़ा वाला काम करने वाला है, और जो छोटा काम मैं करने वाला हूँ सब प्रॉब्लम को जो मैं सॉल्व करने वाला हूँ, तो इसको डिसाइड करने के लिए मेरे को एक इंडेक्स की जरूरत पड़ेगी कि अभी हमारा जो एरे है वो यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। स्टार्टिंग इंडेक्स मैं IDX बोल रहा हूँ उसे, यहाँ से स्टार्ट है। जब मैं रिकर्शन को बोलूंगा, कॉल करूंगा नेक्स्ट पार्ट के लिए, तो मुझे इंडेक्स को बढ़ा के देना पड़ेगा, उसको IDX को +1 करके पास करना पड़ेगा, ताकि वो ये जान सके कि जो उसका एरे है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का है। स्टार्टिंग उसकी यहाँ से हो रही है और एंडिंग तो हमेशा यहाँ से होगी, तो एंड इंडेक्स प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा, अभी हम इसे कम्प्लीटली समझेंगे, डोंट वरी। तो यहाँ पर हमें क्या पास करना है, हमें यहाँ पर IDX भी पास करना होगा। आई होप यू गॉट कि किस तरीके से वर्क कर रहा है, और रिटर्न टाइप इंट होने वाला है इसका, क्योंकि ये इंटीजर रिटर्न करेगा। तो इस तरीके कुछ फंक्शन का हमारा प्रोटोटाइप होने वाला है। अब फंक्शन के अंदर हम करने क्या वाले हैं, हम सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं कि तीनों केसेस कौन कौन से इसमें होने वाले हैं। सबसे पहला जो केस होगा वो तो बेस केस होता है, ठीक है। तो बेस केस को डिस्कस करते हैं। बेस केस का मतलब हो गया कि स्मॉलेस्ट केस, या कहाँ पर हम ऐसी कंडीशन जहाँ पे हमारा रिकर्शन जो है वो स्टॉप हो जाए, फर्दर फंक्शंस को कॉल ना करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे IDX हमारा इंक्रीमेंट होगा, पहले 0 है, अगली फंक्शन कॉल में 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरीके से बढ़ेगा IDX। तो जैसे ही इंडेक्स एरे के बाहर पहुंच जाएगा, एरे के बाउंड से बाहर हो जाएगा, तो हमें रुक जाना है, फिर हमें आगे कॉल्स नहीं करनी है। तो इसलिए बेस केस में हमारे पास यही कंडीशन होगी, इफ अगर मेरा जो IDX है, जो इंडेक्स है,
जिसको मैं यूज कर रहा हूँ टू डिटरमाइन कि कौन सा पोर्शन मैं एरे का कंसिडर कर रहा हूँ। अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू एन है, वो एन या एन से बड़ा हो जाता है, तो मेरे को वहाँ से रिटर्न माइनस वन करना है, क्योंकि मैं एरे के एंड में पहुँच गया हूँ और मेरे को अभी तक की नहीं मिली, तभी तो मैं एंड में पहुंचा। अगर की मिल गई होती तो फिर मैं एंड पे क्यों पहुंचता, मैं वहीं से रिटर्न कर देता ना। तो जैसे ही मैं अगर एंड में पहुंच गया हूँ, दैट मीन्स कि मेरे को की नहीं मिली, तो मेरे को माइनस वन रिटर्न करना होगा। माइनस वन का मतलब हो गया कि की हमें नहीं मिली। ये हमारा बेस केस हो गया। अगर हम बात करें रिकर्सिव कॉल की, तो रिकर्सिव कॉल में क्या करना है, हमें सिर्फ IDX को इंक्रीमेंट करना है, क्योंकि अभी हमारा जो एरे था वो यहाँ से लेकर यहाँ तक था, तो IDX जीरो था, मतलब जीरो से स्टार्टिंग हो रही है एरे की। अब जब मैं रिकर्सिव कॉल करूंगा इस वाले पार्ट के एरे के लिए, यहां से लेकर यहां तक इस वाले पार्ट के एरे के लिए जब रिकर्सिव कॉल करूंगा, तो IDX को इंक्रीमेंट करके भेजूंगा कि ये वाला यहां से आपका एरे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो रिकर्सिव कॉल को मैं यहां पे लिखता हूं, रिकर्सिव कॉल कुछ इस तरीके से होगी। फंक्शन का नाम, उसमें एरे पास करूंगा, एन पास करूंगा, की पास करूंगा। ये तीन चीज तो पास करनी है, क्योंकि तीनों की जरूरत है। की की जरूरत क्यों है, ये पता लगाने के लिए कि करंट इंडेक्स पे एलिमेंट है या नहीं है। एन की जरूरत और ARR की जरूरत, तो एरे की जरूरत तो है ही, और एन की जरूरत इसलिए है ताकि मैं बेस केस को चेक कर सकूँ, ठीक है। उसके साथ साथ मुझे IDX पास करना है, लेकिन अब की बार वन इंक्रीमेंट करके पास करना है। दैट मीन्स कि आपको आगे वाले पार्ट पे अब चेक करना, और जो भी ये रिटर्न करेगा, इंडेक्स क्या रिटर्न करने वाला है, ये फंक्शन हमारा क्या रिटर्न करेगा, इंडेक्स ऑफ द गिवन की, की का इंडेक्स रिटर्न करेगा, और वही मुझे भी यहां से रिटर्न करना है। तो मैं यहां से सिंपली रिटर्न करूंगा। ये तो हो गया रिकर्सिव कॉल। अब हमारा क्या वर्क होगा इस रिकर्सिव कॉल को अच्छे से एग्जीक्यूट करवाने के लिए, तो वो मेन होता है। तो हमारा वर्क ये होगा कि हम करंट इंडेक्स पर चेक करें, और अगर वो की के बराबर है तो रिटर्न करें, नहीं तो फिर रिकर्सिव कॉल लगाएं। तो यहां पर इस रिकर्सिव कॉल से पहले मेरे को चेक करना पड़ेगा इफ अगर ARR का IDX, जो कि हमारा अभी इंडेक्स है, करंट इंडेक्स, वो अगर बराबर है की के, ठीक है, दैट मीन्स हमें की मिल चुकी है। और अगर हमें की मिल चुकी है तो हमें यहीं से की को रिटर्न करना है, तो हम रिटर्न कर देंगे की को, ठीक है। हमें आगे कॉल्स लगाने की जरूरत नहीं है, हमें जो इंडेक्स चाहिए था वो हमें मिल चुका है, ये करंट इंडेक्स ही वो इंडेक्स है। तो यहाँ पर सॉरी, रिटर्न की नहीं करेंगे, रिटर्न हम इंडेक्स को करेंगे। गॉट द पॉइंट? तो हम क्या कर रहे हैं, हर बार हम ये चेक करेंगे कि एरे का करंट इंडेक्स की के बराबर है या नहीं है। अगर है तो वो इंडेक्स रिटर्न कर देंगे, नहीं अगर वो इंडेक्स नहीं है, जैसे इस केस में 1, 3 के बराबर नहीं है, तो हम आगे वाले पार्ट पर रिकर्शन कॉल करेंगे। और आगे वाले पार्ट पर रिकर्शन कॉल करने के लिए हमें IDX को सिंपली इंक्रीमेंट करना है, और ये वाला जो फंक्शन जो भी की रिटर्न करेगा, पहली जो भी की रिटर्न करेगा, उसको मैं भी रिटर्न कर दूंगा। गॉट द पॉइंट, समझ रहे हो? और इसमें ये फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा, बस यहाँ पर एक बेस केस आएगा जो की वाला है, ठीक है। ये वाला बेस केस यहाँ लिख दिया मैंने, ये वाला बेस केस मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए था। अब हम एक बार इसको कोड करके देखते हैं, और फिर उसके बाद इसको बिल्ड करके इसका ड्राई रन को हम समझते हैं, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियरिटी होगी कि कैसे रिकर्शन वर्क कर रहा है एरेज में। अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको अभी जब इसका ड्राई रन दूंगा तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा एवरीथिंग, ठीक है। तो कोड देखते हैं इसका। सो यहाँ पर मैंने ये इनपुट ले रखा है एरे का, और की हमारी 3 है, ये हमारा n है, और ये n एलिमेंट्स हैं एरे के। तो इस फाइल से मैंने कनेक्ट करने के लिए इस फाइल को कनेक्ट कर दिया इस कोड से, और ये वाली फाइल से, ताकि जो भी इनपुट हो वो यहाँ ली हुई फाइल से वो उठा ले। और उसके बाद यहाँ पे n लिया हमने, n एलिमेंट्स लिए एरे के, की को लिया जिसको हमें सर्च करना है, और फंक्शन को कॉल कर दिया ताकि वो इस की को सर्च कर सके। यहाँ पे मैं एरे पास कर रहा हूँ, n पास कर रहा हूँ, और इंडेक्स और की पास कर रहा हूँ। इंडेक्स मैंने पहले पास किया है, कोई बात नहीं, एक ही बात है। इंडेक्स जीरो पास किया है, स्टार्टिंग में इंडेक्स जीरो होगा, और जो की थी उसको पास किया। यहाँ पर हमें फंक्शन को लिखना है, तो स्टार्ट करते हैं बिल्डिंग। सबसे पहले यहाँ पर हम बेस केस लिखेंगे। सो बेस केस क्या होने वाला है, जैसे डिस्कस किया था, अगर मेरा जो इंडेक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एन हुआ, तो मेरे को सिंपली रिटर्न करना है माइनस वन, बिकॉज इसका मतलब ये होगा कि हमें की नहीं मिली। गॉट द पॉइंट? उसके बाद यहाँ पर हमारा जो वर्क होना है, आवर वर्क, वो क्या होगा कि हमें चेक करना होगा करंट इंडेक्स पे। सो अगर एरे का IDX करंट इंडेक्स की के बराबर है, तो हम यहाँ से क्या रिटर्न करेंगे, IDX, ठीक है, क्योंकि यही वो इंडेक्स है जहाँ पर की प्रेजेंट है, और ये पहला इंडेक्स होगा क्योंकि हमें वो पहली बार मिल रहा है। हमें दूसरा इंडेक्स इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे ही हमें इंडेक्स मिल जाएगा, की मिल जाएगी, हम तुरंत रिटर्न कर रहे हैं। अभी मैं इसको थोड़ा और क्लियर करूंगा अभी कि ये फर्स्ट इंडेक्स कैसे है। और यहाँ पर हमें रिकर्सिव कॉल करनी है, तो रिकर्सिव कॉल के लिए हमें फंक्शन फाइंड फर्स्ट इंडेक्स, एरे पास करेंगे, एन पास करेंगे, और इंडेक्स को प्लस वन करके पास करेंगे, क्योंकि हमें आगे फंक्शन कॉल करनी है, ठीक है। तो इस तरीके का ये रिकर्सिव फंक्शन है। तो यहाँ पर हमें रिटर्न भी लिखना है, ताकि वो रिटर्न करे
फर्स्ट इंडेक्स जो भी यहाँ से इंडेक्स मिला है हमें उसको रिटर्न भी करना था यहाँ पे, ठीक है। अगर हम रिटर्न नहीं करेंगे तो कुछ गार्बेज वैल्यू वहाँ चली जाएगी। तो मैं इसे बिल्ड करता हूँ अब, और हमें आउटपुट मिला 2, विच इज करेक्ट, क्योंकि 3 का जो पहला इंडेक्स है, जो पहला वो पाया गया जहाँ पर, वो सेकंड इंडेक्स पे पाया गया, तो आउटपुट 2 आया। तो मैं ये बोल रहा था कि ये फर्स्ट इंडेक्स कैसे है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही हमें कोई की मिलेगी तो हम वहीं से रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है, वहीं से हमने रिटर्न कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हम आगे वाली वैल्यूज पे कभी जाएंगे ही नहीं। अगर एक बार हमें की मिल गई, सपोज 3 हमें मिल गया, तो हमने आगे रिकर्सिव कॉल नहीं करी, यहीं से रिटर्न कर दिया। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि जो की मिलेगी वो पहली बार ही मिलेगी और वही हमें रिटर्न करेंगे, तो ये फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द की ही होगा, ठीक है। सो अब इसका हम क्या करने वाले हैं, एक बार ड्राई रन देखने वाले हैं। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, की को चेंज करके 7 कर देता हूँ और फिर उसको सर्च करता हूँ। आंसर क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए, क्योंकि 7 यहाँ प्रेजेंट ही नहीं है और -1 आया, विच इज़ करेक्ट। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि किस तरीके से हम वर्क कर रहे हैं और किस तरीके से सब चल रहा है। एक बार हम इसका ड्राई रन देखते हैं और ज़्यादा क्लियरिटी आपको आएगी। सो मूव टू द वाइट बोर्ड। सो ये वो फंक्शन था जो हमने अभी अभी लिखा है, ठीक है, फाइंड फर्स्ट इंडेक्स, और ये वही कोड है जो मैंने इसको कॉपी कर लिया है यहाँ पर। अब हम क्या करने वाले हैं, कॉल स्टैक में इसको देखते हैं कैसे ये एग्जीक्यूट होता है। ये हमारे कॉल स्टैक है, और थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, और यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास मेन फंक्शन होता है, जिस मेन फंक्शन के अंदर हमने क्या किया हुआ है, एक एन वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टोर किए थे, सपोज 7 एलिमेंट्स स्टोर किए हैं, और एक की वेरिएबल बनाया है जिसको हमने बोला है कि की कौन सी है, 3 है, और एक एरे डिक्लेयर किया हुआ है और उसके अंदर यूजर से इनपुट भी लिया हुआ है। तो वो एरे क्या था वो मैं फिल कर देता हूँ, ये वो एरे है, ठीक है। इसकी इंडेक्सिंग भी मैं कर देता हूँ 0 1, और यहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल किया हुआ है। फंक्शन का जो भी नाम है, क्या नाम है फंक्शन का, अगर हम देखें, फंक्शन का नाम है फाइंड फर्स्ट इंडेक्स। तो ये फंक्शन यहाँ पे कॉल करेंगे, इसके अंदर हम एरे पास कर रहे हैं, एन पास कर रहे हैं, इंडेक्स की वैल्यू 0 पास कर रहे हैं और की पास कर रहे हैं, ठीक है, ये सब पास कर रहे हैं। तो जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पर मेन में एग्जीक्यूशन पॉज हो जाएगा, मतलब इसके बाद की जो भी वैल्यूज थी वो अभी रन नहीं होंगी, बाद की लाइंस जो स्टेटमेंट्स थी वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी, और जो हमारा एग्जीक्यूशन है वो पहुँच जाएगा एक और एलिमेंट को पहले लोड करेंगे कॉल स्टैक में। तो मैं यहाँ पर उसे लोड करता हूँ। ये जो फंक्शन की डेफिनेशन है ये यहाँ पर लोड हो जाएगी, और यहाँ से इसको कॉल आई है नीचे इस वाले फंक्शन से यहाँ पर, और यहाँ पर इसको पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद जब इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तब हम यहाँ पर आएंगे और फिर आगे की स्टेटमेंट को मेन के अंदर एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या क्या अवेलेबल होगा, ये सारे वेरिएबल्स हैं। इसके अंदर जो एरे है एक वो बाय रेफरेंस होता है ऑटोमेटिकली, तो वो हमारा कॉपी नहीं होगा, बाकी एन IDX और की, ये जो तीनों चीज़ें हैं इनका एक लोकल कॉपी बनेगी यहाँ पर, और एन के अंदर स्टोर होगा जो वहाँ से पास हुआ है एन 7, और IDX के अंदर 0 पास हुआ था यहाँ से, और यहाँ पर हमें की मिलेगी एक जो कि 3 है। एरे को जो है वो वही वाले एरे को रेफर करेगा जो कि मेन में है, वो यहाँ पर एरे की एक अलग से कॉपी नहीं बनाएगा। दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हमने डिस्कस भी किया था फंक्शंस में। तो बेस केस पर अगर हम आएंगे, सबसे पहले लाइन नंबर 7 का एग्जीक्यूशन होगा कि ये लाइन तो एम्प्टी है, 5th और 6th वाले लाइन पे कमेंट है, दोनों को कंपाइलर इग्नोर करेगा। लाइन नंबर 7 पे हम इसको चेक करेंगे, इंडेक्स हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू एन है, बिल्कुल भी नहीं है, इंडेक्स 0 है और एन 7 है। तो हम आ जाएंगे लाइन नंबर 11 पे, और वहां पर चेक करेंगे कि अगर एरे का करंट इंडेक्स की के बराबर है, तो एरे का जो करंट इंडेक्स 0 है, इंडेक्स क्या 3 के बराबर है, तो एरे का 0 इंडेक्स तो 2 के बराबर है, तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई। तो हम सीधा रिकर्सिव कॉल लगा देंगे। रिकर्सिव कॉल में हमने क्या किया हुआ है, दोबारा से सेम फंक्शन को कॉल किया हुआ है ये वाले, और उसके अंदर IDX को +1 किया। तो यहाँ पर क्या होगा, ये एक और कॉल चली जाएगी IDX +1 के साथ। तो यहाँ पर हम फिर से फंक्शन लोड हो जाएगा स्टैक के अंदर, यहाँ पर ये लोड हो गया है, यहाँ पर एग्जीक्यूशन पॉज हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, और यहाँ से जो कॉल है वो चली जाएगी इस वाले फंक्शन को, ठीक है। ये फंक्शन यहाँ पर है हमारे पास, तो इसके अंदर हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आएंगी, एन की वैल्यू सेम 7 रहेगी, इंडेक्स की वैल्यू अब चेंज होकर 1 हो जाएगी क्योंकि हमने यहाँ पर IDX +1 पास किया है, ठीक है। और यहाँ पर उसके साथ साथ हमारे पास जो की थी वो 3 ही रहेगी, और एरे अभी भी वही मेन वाला एरे रेफर हो रहा होगा, ठीक है, एरे क्योंकि कॉपी बार बार नहीं होता। एक गुड अप्रोच भी नहीं है कि एरे को हम बार बार कॉपी करें, और वो होता भी नहीं है। यहाँ पर हम चेक करेंगे कंडीशन को कि इंडेक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एन है या नहीं है, तो वो भी नहीं है यहाँ पर, अभी भी हमारा जो एरे है विद इन द बाउंड है, तो बेस केस हिट नहीं होगा,
और हम यहाँ पर आ जाएंगे लाइन नंबर 11 पे, और यहाँ पर एरे का जो इंडेक्स है वो की के बराबर है, तो एरे का जो फर्स्ट है वो की के बराबर नहीं है, वो 3 के बराबर नहीं है, वो 4 के बराबर है, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी, लाइन नंबर 15 पे आएंगे, फिर से एक रिकर्सिव कॉल लगाई हुई है इंडेक्स प्लस 1 के साथ, तो दोबारा से एक कॉल जाएगी जहाँ पर आई डी एक्स प्लस 1 हो रखा होगा। तो यहाँ पर मैं पहले फंक्शन की डेफिनेशन को लोड करते हैं, सो यहाँ पर ये फंक्शन की डेफिनेशन लोड हो चुकी है, और यहाँ पर क्या होगा अब यहाँ पे चेक करेंगे हम सबसे पहले वाली कंडीशन, पहले वेरिएबल्स देखते हैं क्या क्या होंगे। आई डी एक्स की वैल्यू अब की बार 2 होगी, 1 प्लस 1 2 हो गया, एक ऐड करके पास किया है, एन की वैल्यू 7 ही रहेगी, की वैल्यू 3 ही रहेगी। यहाँ पर हम चेक करेंगे लाइन नंबर 7 की कंडीशन जो कि फॉल्स है, तो बेस केस हिट नहीं होगा, और यहाँ पर लाइन नंबर 11 पे हम चेक करेंगे कि एरे का जो करंट इंडेक्स है वो की के बराबर है, थर्ड सेकंड इंडेक्स, तो एरे का सेकंड इंडेक्स देखो 3 के बराबर है, दैट मींस हमारा कंडीशन ये वाली ट्रू है, और हम यहाँ से आई डी एक्स को रिटर्न कर देंगे। जैसे ही किसी फंक्शन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट आती है तो उस फंक्शन का एग्जीक्यूशन वहीं पर कंप्लीट हो जाता है, और वो रिटर्न कर जाता है जहाँ से वो कॉल हुआ था वहाँ पर। तो जो आई डी एक्स है विच इज इन दिस केस 2, तो ये जो 2 है ये रिटर्न हो जाएगा कहाँ पर, जहाँ से कॉल आई थी यहाँ पर। तो यहाँ पर इस पूरी वैल्यू को रिप्लेस करके, ये पूरे को रिप्लेस करके यहाँ पर 2 लिख देंगे जो भी इसने रिटर्न किया है, और वही हम रिटर्न कर रहे हैं, तो हम भी यहाँ से 2 रिटर्न कर जाएंगे। तो यहाँ से हम भी यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ से कॉल आई थी, और इस पूरे को रिप्लेस करके हमारे पास भी 2 होगा। तो ये वाला जो फंक्शन है ये भी मेन के अंदर क्या रिटर्न करेगा, 2, और जैसे ही रिटर्न होता है तो फंक्शन के अंदर से स्टैक के अंदर से, ये कॉल स्टैक है, इसके अंदर से जो ये फंक्शन है ये रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से ये रिमूव हो गया, यहाँ से ये रिमूव हो गया, तो दोनों फंक्शन रिमूव, फिर ये भी रिमूव, जैसे ही रिटर्न करेंगे ना वैसे ही रिमूव हो जाएंगे, मैंने थोड़ा लेट बताया, ठीक है, रिमूव हो जाएंगे। और फिर यहाँ से नीचे आएंगे, यहाँ पर हमने इसको सी आउट किया हुआ था प्रिंट, तो प्रिंट जो 2 रिटर्न करा है उसने, तो रिटर्न 2 प्रिंट हो जाएगा। सो आई होप यू गॉट कि हाउ रिकर्शन वर्क इन एरेज, तो इस तरीके से ये वर्क करता है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, डिफरेंट मुश्किल भी नहीं है, बस थोड़ी सी अप्रोचेज हमें डिफरेंट डिफरेंट डिस्कस करेंगे तो आपको थोड़ी और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। अभी हमने इसको देखा था फर्स्ट इंडेक्स निकालना, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लास्ट इंडेक्स कैसे निकालते हैं, और फिर हम बात ये भी करेंगे कि सारे इंडेक्स कैसे निकालने, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।